लाइट इंडस्ट्रियल एरिया ट्रांसपोर्ट नगर ग्रिज के पास नीचे तक लटक रहा हाई टेंशन वायर हादसों का कभी भी कारण बन सकता है। वायर को ऊंचाई पर ले जाने टाइट करने स्थानीय लोगों द्वारा विद्युत मंडल के अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। लाइट इंडस्ट्रियल एरिया केनाल रोड ट्रांसपोर्ट नगर ब्रिज के पास लटकता हाई टेंशन वायर स्थानीय व्यवसायियों की चिंता का कारण बना हुआ है। नीचे लटके वायर दीवारों को टच कर रहे हैं, जिससे कभी भी हादसा होने का अंदेशा बना रहता है। वायर को टाइट करने और ऊंचाई पर ले जाने स्थानीय व्यवसायी मुकेश अग्रवाल द्वारा विद्युत मंडल के अधिकारियों को पत्र सौंपा जा चुका है, लेकिन स्थिति अब भी जस की तस बनी हुई है। हाई टेंशन लाइन चालू है अथवा बंद, इसका भी अब तक खुलासा नहीं किया जा सका है। व्यवसायी मुकेश अग्रवाल ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, ये जो हाई टेंशन लाइन है ये इतनी नीचे हो चुकी है जिससे कोई भी हादसा हो सकता है। हाई टेंशन लाइन में पावर ज्यादा होता है, इसमें अगर किसी कोई व्यक्ति अगर इसके एक मीटर के दायरे में भी कोई आता है तो उसको भी इसको खींचा जा सकता है करंट के जरिए। अब इसमें देखने वाली चीज ये है कि मेरे द्वारा कई बार कंप्लेंट दिया गया सहायक लोगों को, लेकिन आज तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं किया। अगर इसको जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं करते हैं और इसको लाइन को दुरुस्त नहीं करते हैं तो कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। और कल की डेट में कोई भी एक्सीडेंट के टाइम में कोई आदमी आ गया उसमें चपेट में या कुछ आ गया या जमीन में करंट आ गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको जल्द से जल्द ठीक कराया जाए ताकि कभी भविष्य में भी कोई तकलीफ ना आए। धन्यवाद। बहरहाल कोई दुर्घटना हो इसके पूर्व विद्युत मंडल के अधिकारियों को इस ओर ध्यान दिए जाने की जरूरत है, जिससे स्थिति पूर्व की तरह सुरक्षित बनी रह सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।